पूरा जो इंपोर्टेड हुकूमत है और ये जो जाली निजाम बना हुआ है, इस जाली निजाम का सबसे बड़ा खतरा जो है वो तरीके इंसाफ है। इमरान खान से खौफजदा हैं ये लोग, इनको पता है कि पूरी कौम जो है वो फैसला कर बैठी है, इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है और अब सर झुकाने को नहीं तैयार है और ना कराची वाले सर झुकाने को तैयार है। किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं कराची के अंदर एक साफ शफाफ मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाने में। आपको मुस्तफी होना चाहिए अपनी सीटों से, इस इलेक्शन को कलदम करार देना चाहिए और आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। और जो कराची वाले जिसको वोट देना चाहते हैं, वो एमक्यूएम को वोट देना चाहते हैं, वो जमात इस्लामी को वोट देना चाहते हैं, वो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, जिसको भी वोट देना चाहते हैं, ये कराची का कम से कम हक है और ये हक किसी तरीके से भी कराची से छीना नहीं जा सकता। तो हम इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ एहतजाज होता रहेगा। ये जितना भी जुल्म करने की कोशिश करेंगे, कराची की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती है।